टच वुड, गॉड्स ग्रेस, हमारी सबके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है. बहुत हम सब के सब बहुत ऑर्गेनिकली हमारी सबके बीच में केमिस्ट्री बन चुकी है. कहीं भी हमें फेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है या फिर कहीं पर भी हमें एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अच्छा इनके साथ मुझे अच्छा बनना है. एवरीबडी हैज़ बीन वेरी कॉर्डियल एंड वेरी नाइस, एंड आई होप ये ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि यही जो चीज़ है वो रिफ्लेक्ट होती है स्क्रीन पर. एक पॉजिटिविटी से जो हम काम करते हैं, हमारे डायरेक्टर, हमारी टीम इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, विच इज़ रियली हेल्पिंग अस टू ग्रो. वी आर वेरी हैप्पी, गॉड्स ग्रेस एंड भगवान की जो मर्जी है. एंड हम जो काम कर रहे हैं, वही मैंने कहा कि अगर हमारा शो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, वो जो दिख कर आ रहा है, एंड वो टीम, एक इट्स एन एंटायर टीम एफर्ट, विच आई थिंक इज़ रियली गुड. ऑफकोर्स लोग लिखते हैं कि अरे आप लड़की से इतनी नफरत क्यों करती हो, लड़की लड़की बहुत बोलते हैं मुझे. बट आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत जस्टिफाइड है, बिकॉज अगर मेरे बेटे की ऑलरेडी शादी कहीं पे फिक्स हो चुकी है एंड सडनली एक रियल लाइफ में भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम हमेशा बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं हमारे बेटे और हमारी होने वाली बहू को लेकर. तो मुझे लगता है तनुजा का स्टैंड इज़ वेरी फेयर एंड शी डजंट वॉन्ट एनी बडी, वो नहीं चाहती कि कोई तीसरा इन दोनों के रिश्ते के बीच में आए, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती. प्लीज़ हमारे शो को देखते रहिए एंड प्यार देते रहिए, हमें बहुत जल्दी नंबर वन आना है. एंड हमारी स्टोरी इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग है, हमेशा कुछ नया नया चल रहा है एंड हम सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. एंड आई होप आप लोग हमारे शो को इतना ही प्यार देते रहिए. थैंक यू.